अम्बन्या नाथ सभी, मैं वंदना वीरा इंदौर रामबाग केंद्र से। आज मैं जो खड़ी हूँ यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सद्गुरु की कृपा से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। ये बात है पिछले वर्ष की यानी कि 2021 की मई का महीना था और 5 मई को मेरा बर्थडे था। और उससे पहले मेरी तबीयत नरम गरम चल रही थी, पर 5 मई को जब मेरी तबीयत नरम गरम चल रही थी और टेस्ट कराया तो मैं 5% से कोरोना पॉजिटिव आ गई। उसके बाद में मुझे बहुत टेंशन हुआ। उसी बीच मेरा जो बड़ा भाई था उसे भी कोरोना हुआ और वो 8 मई को एक्सपायर हो गया। पर जब मुझे भी कोरोना नाम सुन के और हुआ है ये सुन के मतलब मैं बहुत डर गई थी, पर मुझे अपने सदगुरु पे, अपने बापू पे पूरा विश्वास था। मैंने बापू से बहुत कुछ मांगा था कि बापूजी मेरे भाई को अच्छा कर दो, ऐसा कर दो, पर अपने सदगुरु को जो उचित लगे वही वो अपने लिए करते हैं। मेरे अनुभव यह आया कि मतलब मैं इतनी डर गई थी कि अब क्या होगा कैसा होगा। और उसके अलावा मुझे सबने बोला था अब तू थोड़ा सा है ना मतलब सब छोड़ और अपने खुद की तरफ ध्यान दे। मैंने बोला मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं, उसको भी हुआ, वो इस तरह से ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि अब उसको छोड़, तू अब तू तेरा देख। उसकी वो बात मैंने दिमाग में रखी और जब मेरा भाई एक्सपायर हुआ तब मैंने समझ में सब कुछ आ रहा था और जानती भी थी कि वो एक्सपायर हो गया, पर उसको मैं किसी के मुंह से सुनना नहीं चाह रही थी। मैंने उसी समय बापू से प्रार्थना करी, बापूजी मेरा भाई तो चले गया पर मैं किसी के मुंह से सुनना नहीं चाहती कि वो गया है, पर आज मुझे हिम्मत दे, यदि मैं रोई और मैं मुझे यदि तकलीफ बढ़ी तो बच्चे मेरे से चिपक जाएंगे, बच्चे चिपक जाएंगे मतलब वो सब दूर फैल जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे। तो उस समय मुझे बस बापूजी ने इतनी हिम्मत दी कि सब जानते हुए भी मेरे आँख में से आंसू नहीं निकलने दिए। और ये 2 ही कमरे थे, आगे के ही कमरे में लेट बात भी थी और पीछे का कमरा था। पीछे का कमरा इतना पतरे का तप रहा था, पर बापूजी ने मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को इतनी हिम्मत दी कि वो उस पतरे वाले कमरे में इतने गर्मी में बिना पंखे के रहे और आगे वाले कमरे में पलंग के भाई मुझे थोड़े चादरों का वो बना दिया और उस पलंग पे मैं रही। मैंने 15 दिन निकाले लेट बात में कंटिन्यू, बच्चे और मेरे मिस्टर सैनिटाइजर करते रहे। और इस तरह से बापूजी ने हमको इतने बड़े संकट से इतने आसानी से निकाल दिया और ना मेरे बच्चे को कोई असर हुआ, ना मेरे मिस्टर को, ना मेरी बेटी को। ये जो हम खड़े हैं आज और सब सुरक्षित है, ये सिर्फ और सिर्फ सिर्फ मेरे सदगुरु, मेरे बापू, मेरे अनिरुद्ध बापू की कृपा से ही मैं आज आपके सामने ये बताने के लायक खड़ी हूँ। उन्होंने ही मुझे आपके सामने मतलब ये अनुभव दिया है। हम